पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हाँ, भक्तों को संदेश ये दीजिए कि जो ये चैत्र नवदुर्गे हैं कि इससे नया संवत्सर बदलता है। इस संवत का नाम पिछले साल का संवत था, नल नाम संवत था, और इस साल पिंगल नाम संवत आया है 2080 और सन 2023। और 22 तारीख बुधवार से नवरत्र प्रारंभ हुए और 30 तारीख तक लगातार रहेंगे, यानी कोई तिथि इधर उधर कम बेशी नहीं है। सब अपनी अपनी जगह, सभी तिथियां अपने स्थान पर विराजमान हैं। और प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में दैनिक प्रातःकाल 9 बजे से 11 बजे तक हवन का कार्यक्रम चालू रहता है। और नवमी के दिन 10 बजे से 12 बजे तक पूजन और महायज्ञ होगा। 12 बजे के बाद भगवान ईश्वर की इच्छा तक विशाल भंडारा का आयोजन है। और सभी नगरवासियों से हमारा ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मनोकामना मंदिर के दरबार में आकर के अपनी हाजिरी लगाइए और सबकी और मुरादे मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरा मतलब संदेश है। चैत्र नवरात्रों के चलते मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 दिवसीय हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्ण विधि विधान के साथ हवन पूजन संपन्न कराया गया। हमारे मंदिर में मनोकामना श्री हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी में नवरात्रों के पावन पर्व पर मंदिर कमेटी द्वारा बहुत सुंदर तैयारी की गई है, जिसमें मंदिर कमेटी द्वारा नववर्ष शुरू हो रहा है हमारा, तो हमने ओम के झंडे कैलेंडर श्रद्धालुओं के लिए कमेटी द्वारा बनाए गए हैं और वो वितरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ पिछले काफ़ी वर्षों से सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यज्ञ हवन होता है और उसके उपरांत शाम को 5 बजे से 7 बजे तक मेला कीर्तन होता है। ये परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, जिसको हम माता की कृपा से आगे सुचारू रूप से चला रहे हैं। मेरा मुरादाबाद के नगरवासियों से निवेदन है कि मनोकामना मंदिर आएँ, धर्म लाभ उठाएँ, तथा कमेटी द्वारा इस बारी लाइट की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है और नवमी के दिन भंडारा होगा, उसमें भी मेरा निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में मंदिर आएँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।